अरे आशा दीदी, सुना है चौपाल वाली ताई को कैंसर हुआ है। वो तो पूजा पाठ भी करती थी, तंबाकू और शराब भी नहीं पीती थी, तो उन्हें कैंसर कैसे हो सकता है? दीदी हमें भी बताइए, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है? हाँ दीदी, हमें भी बताओ। जरूर जरूर, स्तन के कैंसर के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। 90% औरतें अपने स्तन के कैंसर का पता खुद ही लगाती हैं। स्तन की जांच 5 चरणों में की जाती है। पहले 2 चरण में आईने के सामने कपड़े बदलते वक्त देखकर या निरीक्षण कर और बाद के 3 चरणों में छूकर स्तन की जांच करते हैं। पहले चरण में दोनों हाथों को कमर पर रखकर दोनों स्तन के आकार और साइज में किसी भी प्रकार के बदलाव का निरीक्षण करें। साथ ही स्तन की त्वचा में किसी भी प्रकार की लालिमा, चकते, त्वचा का अंदर धसना, संतरे के छिलके की तरह होना या निप्पल का अंदर धसना, पानी एवं खून का रिसाव होना, ये सब देखना चाहिए। दूसरे चरण में यही सारी जांचें हाथों को ऊपर करके देखनी चाहिए। अच्छा, फिर दीदी? हाँ, आगे के 3 चरणों में स्तन को छूकर जांच करें। वो कैसे दीदी? तीसरे चरण की जांच किसी सख्त बिस्तर या तखत पर लेटकर करते हैं। इसके लिए बाएं हाथ को ऊपर करके उसी कंधे के नीचे तकिया लगाकर दाएं हाथ से यह जांच करें। याद रखें, बाईं तरफ की छाती की जांच के लिए दाएं हाथ का और दाईं तरफ की छाती के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। गीली उंगलियों से छोटी गांठ भी पकड़ी जा सकती है, अतः उचित होगा अगर यह जांच गीली उंगलियों से की जाए। डायल ऑफ क्लॉक मेथड या घड़ी की सुइयों का अनुसरण करते हुए दोनों स्तनों पर यह जांच की जाती है। 12 के कांटे से शुरू करके बाहर से अंदर की तरफ यह जांच की जाती है। इसे 3 बार गोल गोल घुमाते हुए करते हैं। पहली बार से दूसरी बार थोड़ा अधिक दबाव और दूसरी से तीसरी बार थोड़ा और अधिक दबाव लगाते हैं, ताकि छोटी से छोटी गांठ भी पकड़ी जा सके। बाएं स्तन की जांच के लिए दाईं तरफ करवट लेकर 12 से 6 और 6 से 12 तक सीधा लेटकर, इसी प्रकार दाईं तरफ के लिए 12 से 6 तक सीधा लेटकर और 6 से 12 के लिए बाईं तरफ करवट लें और बाएं हाथ से यह जांच करें। चौथे चरण में दूध की नलियों की जांच की जाती है। इसके लिए निप्पल को उंगलियों के बीच 2 बार घुमाते हुए पहले 12 से 6 और फिर 3 से 9 की दिशा में गांठ या पानी और खून के रिसने की जांच करें। अच्छा दीदी, ये तो बहुत ही आसान है। अरे रुको रुको, स्तन के साथ साथ अपनी दोनों बगलों में भी किसी प्रकार की गांठ जरूर देखो, कभी कभी कैंसर बगल में भी फैल सकता है। अच्छा दीदी, ये जांच कब करनी चाहिए? बड़ी अच्छी बात पूछी है बिल्लो। महावारी के हफ्ते 10 दिन बाद यह जांच महीने में कम से कम 1 बार जरूर करनी चाहिए। दीदी मैं गर्भ से हूँ, क्या ये जांच मुझे भी करनी चाहिए? हाँ रूपा बिल्कुल। और मैं तो 70 साल की हूँ, क्या मुझे भी ये करना चाहिए? हाँ हाँ काकी, आपको तो यह जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ कैंसर होने की अधिक संभावनाएं होती है। सुनिश्चित करें 20 साल के बाद यह जांच सभी महिलाओं को करनी चाहिए। याद रखो, स्तन कैंसर जितनी जल्दी पकड़े उतना अच्छा है, इसका इलाज संभव है। दीदी अगर कुछ गड़बड़ लगे तो कहाँ दिखाना चाहिए? मैं हूँ ना, तुम मुझे दिखा सकते हो या फिर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद दीदी।